नमस्ते दोस्तों, सुबी के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान तरीके का नाश्ता, जो कि हम बनाएंगे सूजी दही से। आधा टिफिन इसको मैं गंजी में डाल देती हूँ। मैंने एक पाव दही लिया है, खट्टी दही, इसे डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। इसे ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना है। थोड़ा सा और पानी डालूंगी क्योंकि सूजी को हम आधे घंटे के लिए फिलो के रखेंगे दही में, तो सूजी फूलने के बाद थोड़ी और बड़ी हो जाती है। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखूंगी, फिर हम बनाएंगे इसका नाश्ता। देखिए, इसे आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरह से फैल भी चुका है सूजी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सोडा, खाने का सोडा। आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं, पर मैं आज ले रही हूँ इसमें सोडा। थोड़ा ही सोडा डालेंगे हम क्योंकि इसका स्वाद अलग लगता है। हल्का सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए रख देंगे। सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना है इसे, 2 मिनट के लिए ही छोड़ देना है। 1 मिनट मिला लीजिए, 1 मिनट रख दीजिए बस, और ज़्यादा देर तक फेंटना भी नहीं है। हल्के हाथ से इसे मिक्स करके छोड़ देना है। देखिए, इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, मतलब सोडा अच्छी तरह से मिल चुका है। मैं इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए, गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, लगाएंगे तेल। कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं जो आप खाते हैं। पूरे तवे पे हम चारों तरफ लगाएंगे। अब इसे चम्मच से लेके हम छोटे छोटे तवे पे डालते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हम इसे पकाएंगे और गैस थोड़ा सा तेज कर देंगे, ये अच्छे तरह से सिका जाएगा। हम इसे चारों तरफ घुमा घुमा के सेक लेंगे। किनारे किनारे के थोड़े कच्चे रह जाते हैं, इसलिए अब हम इसे देखते हैं पलट के सेकाए हैं कि नहीं। हल्का और सेकना पड़ेगा। निकाल के रख लीजिए। देखिए, हमने सारे सूजी के बना चुके हैं गोल गोल। अब हम कढ़ाई लिए हैं, इसे हम गरम करते हैं। इसमें मैं डालूंगी तेल। अब हम इसको सिंपल तरीके से फ्राई करेंगे बस। ये बहुत ही कम तेल में अच्छी तरह से बन जाता है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगता। मैं इसमें डालूंगी छोटे चम्मच से 2 चम्मच सरसों, मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च,
दो चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता, हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। देखिए हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही कम तेल में बना है ये। मैं इसे टमाटर की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी के साथ सर्व की हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। बहुत ही जल्दी बनता है यह नाश्ता, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।